Have you ever tried threesomes and stuff? Is that something you're... At any point, by the way, when you feel like you don't want to say something, you just raise your hand to say something, I don't want to talk about it, right? Yeah. Right? No. So, which is, I'm very curious. Nothing? Yeah. No, never. Ever been curious about it? Very. So, what's stopping you? No, it's just, I don't know. I'm just shy about it. मैं पूछ इसलिए रहा था बिकॉज़ अब मुंबई में खासकर मुंबई में दिस सिटी हैज़ द वर्स्ट रेपुटेशन स्विंगर कपल्स बहुत ज्यादा हैं जी जी मुझे तो हमें पता है हमें पता है आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट दिस शाइस पर से आई नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट नहीं नहीं और हम बहुत बहुत सलीके से निकल भी जाते हैं उससे देखो तो बहुत आते हैं ऐसे हस्बैंड वाइफ के वगैरह जैसे हे जस्ट कम जॉइन अस बी अ पार्ट ऑफ मैं कई बार गया भी हूं जी 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 पर आई रियलाइज एक प्रॉब्लम हो जाता है When you're going to meet these people socially. Yes, yes, yes. Bahut awkward ho jata hai. Bahut awkward ho jata hai. If there's a fantasy that you could have sort of thought about, I feel, no matter how progressive we are, wo jo thoda hamara jo desi pana hai, kahin na kahin, there is, I don't want to call it sanskar because it's not a bad thing or a good thing, it's just a thing. Yeah. Main pehli baar jab Boston gaya tha, ab hamare gym mein yahan nange nahi ghumte hain. Haan, right. Pehli baar jab main Boston gaya tha, 16 saal ka tha, wahan sare aise cute cute ladke nange ghum rahe washroom mein, to mante main washroom mein hi padha rahun, gym mein. पर मेरे को थोड़ी बहुत शर्म आती थी बिकॉज़ वी आर नॉट फिजिकली दैट कॉन्फिडेंट राइट कंफर्टेबल विद अवरसेल्व्स यू थिंक इट रियली इज अ थिंग बिकॉज़ मैं जब देखता हूँ कुछ ऐसे रहा एंड स्पेशली बाय इंडियन वुमेन हम जब गोवा में जाते हैं मैंने काफी बार देखा है एक्चुअली सच्ची हम मजाक भी करते हैं और द फिरंगी लड़की इज नॉट द पिन बिकिनी इज वेरी कंफर्टेबल विद द बॉडी नोबडी इज हाइडिंग एनीथिंग हम मेन एंड वुमेन इंक्लूडेड इन इंडिया हम स्ट्रेच मार्क्स को लेके तंग हैं इसको लेके तंग हैं यहाँ से फैट निकल रहा है Did you ever have these issues as an actor, body image issues? Yeah, absolutely. Because एक टेम्पलेट दिया गया है कि आप गोरे नहीं हैं आपके बॉडी पे मार्क्स नहीं हैं आप परफेक्ट लुकिंग है एक्वालाइन नोज है आपके और ये और वो सो ब्यूटी टेम्पलेट्स इतने अनअटेनेबल हैं इतने बकवास हैं कि आप जब उनको मेजर करते करते आपकी आधी जिंदगी निकल जाती है अच्छा औरत है हॉर्मोन्स हैं ऊपर नीचे होगा पीरियड होगा मेनोपॉज होगा ये होगा वो होगा यार मतलब औरत की बॉडी इज लाइक धरती है वो Hmm. वो कभी एक्सपैंड होगी वो कभी बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी या बिल्कुल सिकुड़ जाएगी तो यू नो वी बीन टॉट कि नहीं 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 अरे ये मत पहनो अरे लोग क्या बोलेंगे फैट दिख रहा है अरे तुम्हारे आई हैड माई डॉटर इन माई ट्वेंटीज और मेरे को स्ट्रेच मार्क्स हो गए थे बिकॉज मुझे माँ ने बोला कि खुजली मत करो नहीं मैं तो दबा के खुजली करी है एंड आई वॉज ऑल ऑफ 35 kgs और 24-23 inch की कमर थी 22-23 inch की कमर थी मेरी और वो बिल्कुल स्किन फट गया मेरा और उसके बाद ना मुझे ये होता था कि नहीं मैं छोटा कपड़ा नहीं पहन सकती ये नहीं कर सकती पर मैं देखती थी दूसरे लोगों को जिनमें इतना कॉन्फिडेंस था मतलब कि ये सही है भाई मतलब यहाँ पे हम जिंदगी भर अपने स्ट्रेच वो मार्क्स छुपा रहे हैं जिससे मैंने बच्चा पैदा किया तो इसमें शर्म क्या है अगर मुझे इस बात को कहने में शर्म नहीं है कि एक माँ हूं मैं जिसमें मैं तो बिल्कुल वो नहीं है तो इसमें क्यों है ये उसका बाय प्रोडक्ट है ना बट वो एक जो सोच गंदी है ना वो अब चेंज हो रहा है